जय हिंद, जय भारत, बड़े शर्म के साथ मैं लखीमपुर के प्रकरण को पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में इस खबर को प्रकाशित किया जाए। दिनेश पांडे जिला कमांडेंट होमगार्ड के काले कारनामे, तो इनकी तानाशाही देख लीजिए किस कदर से हावी है होमगार्ड जवानों पर। यानी पैसे के लालच में किसी की जान की परवाह नहीं इनको है। पैसा सबसे ज़्यादा पैसा है, किसी की जान जाती है उसका कोई माने नहीं रखती। कमांडेंट दिनेश कुमार पांडे के द्वारा लखीमपुर खीरी, तो इनके काले कारनामे आप देख लीजिए। जिला कमांडेंट खीरी द्वारा आदेशों निर्देशों का दरकिनार कर पद का दुरुपयोग करते हुए सुविधा शुल्क को लेकर स्वास्थ्य जवानों को छोड़कर बीमार व चटहल व जवानों को चुनाव ड्यूटी भेजने के संबंध में इन्होंने संजय जी ने लेटर लिखा है गृह मंत्रालय को लेकर। तो ये जो है चुनाव ड्यूटी भेजने के संबंध में लिख रहे हैं, बिंदुवार आलोकन करने की कृपा करें। प्रार्थी जो गृह मंत्रालय लेटर भेजे हैं, संजय कुमार दीक्षित, कंपनी निघासन जिला खीरी उत्तर प्रदेश में होमगार्ड पद पर सेवारत हैं। प्रार्थी द्वारा लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में 2022 में पहले चरण जनपद व जनपद में चुनाव करा कर गया है। प्रार्थी दिनांक 21 फरवरी 2022 को जनपद में चौथा चरण कराकर पांचवें चरण की तैयारी में था कि प्रार्थी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। प्रार्थी को बुखार तथा चक्कर आ रहे थे। प्रार्थी के ब्लड शुगर 495.74 काफ़ी बढ़ी हुई थी। ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक व दिमाग की नस फट सकती थी। प्रार्थी द्वारा इस संबंध में प्रार्थना पत्र जिला कमांडेंट होमगार्ड खीरी को देकर चुनाव ड्यूटी पांचवें चरण से मुक्त किए जाने के व इलाज मुहैया कराने के लिए दिया, परंतु जिला कमांडेंट खीरी प्रार्थी को प्रार्थना पत्र फाड़ दिया तथा कहा गया कि राणा बाबू से बात कर लो। प्रार्थी राणा बाबू के पास पहुंच गया तो राणा जवान ड्यूटी से अमुक्त किए गए। राणा बाबू के पास गया तो राणा बाबू दोबारा बताया गया कि जवान चुनाव ड्यूटी से अमुक्त किए गए हैं, सब 5,000 रुपये दिए हैं, वही व्यवस्था आप भी कर दीजिए तो छोड़ दिया जाएगा। प्रार्थी दिनांक 21 फरवरी 2022 को शिकायती प्रार्थना पत्र महासमादेष्टा होमगार्ड मुख्यालय लखनऊ भेजा गया। तो बताइए, जिसका इतना बड़ा बड़ी बीमारी हो, वाकई में 495.74 डिग्री जिसका बीपी बढ़ा हो, तो कोई अनहोनी
ये घटना घटित हो सकती थी। कमांडेंट जो मेन जिले का होता है होमगार्ड जवानों के लिए, वो बाबू के पास भेज रहे हैं और बाबू वहां बैठ के सौदा करता है कि जो 5-5 हज़ार रुपये दिए गए हैं वो जवान छोड़े गए हैं। तो आप भी वही व्यवस्था कर दीजिए तो आपको भी मुक्त कर। तो यहाँ देखिए, जान की कीमत कम आंकी गई लेकिन वो पैसे की कीमत ज़्यादा मानी है और किसी की जान की परवाह नहीं किया। ऐसे तानाशाह कमांडेंट को तत्काल प्रभाव से मैं कहता हूँ इस पे चुनाव आयोग संज्ञान ले और सब कहीं लेटर समादेष्टा से लेके और चुनाव आयोग तक सबको भेजे गए हैं। यदि इस पर कठोर कार्रवाई नहीं की गई तो जवान आक्रोशित हो चुके हैं, कभी कोई अनहोनी भारी हो सकती है जिसकी जिम्मेदारी कमांडेंट और शासन प्रशासन की होगी। और वहां पर 12 नंबर फार्म भरा लिया गया चुनाव कराने यानी अपनी वोट डालने के लिए, आईडी जमा करवा ली गई, फिर भी वहां किसी होमगार्ड का चुनाव अलग से चुनाव वोट डालने का आदेश हुआ था चुनाव आयोग के द्वारा, शासन सरकार के द्वारा। वो ये कमांडेंट इतना शाही कि वो वोटिंग नहीं डलवाया। ये देखिए तानाशाही, मतलब एक कमांडेंट, एक चुनाव आयोग उत्तर, मुख्य चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश की अवहेलना, तो कितना बड़ा ये देखिए दरकिनार अपने आप को क्या समझता है ये कमांडेंट। इसके ऊपर तो घोर जो भी धाराएं हों वो उन धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाए। और मैं पूरे जिले के नहीं पूरे प्रदेश से मांग करता हूँ सभी लोग जिला खीरी के लिए तैयार रहें और उस कमांडेंट को सबक जरूर सिखाया जाएगा कि यानी बिल्कुल वो समझ लिया कि गाय अपने बच्चे का जन्म देती है लेकिन दूध ये होमगार्ड के अधिकारी जैसे पी जाते हैं, कमाई हमारी ये पूरी पिए जा रहे हैं, हम भूखे तब भी नहीं बोल रहे हैं, अन्याय पर अन्याय किया जा रहा। अब उसकी जान पर जब आई तो इसके दर्द नहीं आया इससे कमांडेंट को। तो मैं कहता हूँ ऐसे कमांडेंट के खिलाफ सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। माननीय महोदय जी, चुनाव आयोग जी से मैं मांग करता हूँ कि तत्काल आदेश करें ताकि रियायत न करते हुए ऐसे कमांडेंट अधिकारी के खिलाफ तत्काल आदेश करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया जाए। तो मैं कहता हूँ पूरे प्रदेश के जवानों से इस पे सभी पूरा प्रदेश आवाज उठाए, लखीमपुर खीरी सभी जवान आज उनके साथ हुआ, कल जैसे बकरा या मुर्गा के बाड़े में दाना डाल दिया जाता है, कसाई एक एक को पकड़ करके काट देता है, कोई आवाज नहीं उठती है। वो कहते हैं ये जो दाना चिर रहे हैं ये राम के भक्त हैं, इनको बचाया जाएगा। लेकिन नहीं, एक दिन राम भक्तों को भी एक एक करके काट दिया जाता है, बाकी जो है अपने दाना चुनने में लगे। ऐसे होमगार्ड जवानों आपको बताते हैं आज नंबर में सब हो, आज उनको उनके साथ ऐसा अन्याय हो रहा, कल आपके साथ अन्याय होगा, तो क्या ये सह पाओगे? जब आज इनके लिए आवाज नहीं उठाओगे कल तुम्हारा कोई देखने वाला नहीं। इस कमांडेंट को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया है। ये तानाशाह कमांडेंट का, इसकी तानाशाही खत्म की जाए और हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा इसको खत्म किया जाए। तो हम सब कमर कस ले, संजय दीक्षित जिला अध्यक्ष खीरी के खिलाफ इतना बड़ा जुर्म हो रहा है कमांडेंट के द्वारा, बाबुओं के द्वारा, वहाँ 20-20, 22-22 साल से बाबू टिके हुए हैं। ये जो बाबू राणा बाबू है 22 साल तो वहाँ टिका हुआ है और ये मेन बना दिया गया है, पैसा वसूली करके इसमें पूरा बंदरमाट किया जाता है। तो देखिए
बड़ा गंभीर विषय है, मैं पूरे कागज डाल रहा हूँ, मैं पूरी ऑडियो डाल रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ, आप इनको अवलोकन करें और इस पे तत्काल सभी लोग आवाज उठाएं। तो मैं पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी संजय दीक्षित के साथ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, इसकी तानाशाही खत्म की जाएगी और इस पे बहुत बड़ा संज्ञान लिया जाएगा। और मैं कहता हूं कि इसकी तैयारी करिए, बिगुल बजाइए और हम लोग तैयार बैठे हैं। आगे सभी लोग, पूरे प्रदेश से अपील है, प्रार्थना है कि सभी लोग आवाज इसकी उठाएं जो चुनाव आयोग के कानों तक पहुंच जाए, ताकि इसके पर एक्शन लिया ले, चुनाव आयोग महोदय एक्शन ले और ऐसे कमांडेंट को, ऐसे अधिकारियों को ऐसी कुर्सी पर बैठाना, सोच लो सरकार साथ अन्याय है, और ऐसे कमांडेंट महोदय को बिल्कुल एक कुर्सी शोभा नहीं देती है। तो मैं कहता हूँ संजय जी, घबराने की जरूरत नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश के जवान आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।